इंदौर के अम्बा अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने अस्पताल प्रांगण में कैंडल जलाकर और हॉस्पिटल से एमजीएम मेडिकल कॉलेज तक कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल पिछले 3 दिनों से लगातार पूरे प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। अब तक सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि सरकार ने उनके 4 प्रमुख मांगें मान ली हैं, जिसमें स्टाइपेंड और सुरक्षा शामिल है, लेकिन अब तक इसको लेकर सरकार ने कोई लिखित आदेश जारी नहीं किए हैं। उनका यह भी कहना है कि उनके जुड़ा अध्यक्ष घर पुलिस भेजी गई है। जब पूरे कोरोना काल में लोगों की सेवा कर रहे हैं तो पुलिस भेजकर सरकार क्या साबित करना चाहती है? अगर अब भी सरकार ने जुड़ा की मांगे नहीं मानी तो वे आगे भी हड़ताल जारी रखेंगे। कहते हो कोरोना योद्धा भारत पुलिस। क्या मुख्यतः मांग देख रहे हैं और अभी फिलहाल सरकार की ओर से क्या रवैया है और आगे क्या आप लोगों का मांग है इसको लेकर? हम लोगों को वोकल होना पड़ रहा है क्योंकि सरकार अभी भी 3रा दिन ख़त्म होने को आया है लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी बातचीत की पहल नहीं हुई है। हमारे प्रेसिडेंट्स अभी भी भोपाल में है, 3 दिन से वो भोपाल में है, सारे रीजनल JDS के प्रेसिडेंट भोपाल में ही है लेकिन तब भी उनसे बातचीत करने के लिए सरकार तैयार नहीं हो रही है। तो इसे हम क्या समझे? क्या सरकार बात ही नहीं करना चाहती है? क्या सरकार को हेल्थ डिपार्टमेंट की, पब्लिक हेल्थ की कोई चिंता नहीं है? मरीजों की बिल्कुल चिंता नहीं है? क्या वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स पर ब्लेम करना ही अपनी नीति मानती है? हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि अगर आपकी तरफ से पहल हो रही है तो आप हमारे JDA प्रेसिडेंट तक क्यों नहीं पहुँच रहे? आज आप लोगों ने किस तरीके से अपना प्रदर्शन जो है किया है, क्या आज रहा है आपका वो? आज इस कैंडल मार्च प्रदर्शन के 2 मुख्य कारण थे। एक तो हमें सरकार के प्रति गुस्सा भी अपना दिखाना था कि हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, किसी न किसी तरीके से हम प्रोटेस्ट अब करते रहेंगे जब तक आप हम तक नहीं आते हैं। और दूसरा एक बहुत ही ख़राब इंसिडेंट है असम, जहाँ पे डॉक्टर के ऊपर हमला हुआ है। कोविड में पोस्टेड डॉक्टर थे जिन्होंने एक ऑलरेडी जो कॉम्प्रोमाइज हालत में आया था पेशेंट, उसकी मृत्यु का समाचार जब उसके परिवारजनों को दिया तो उन लोगों ने उसे इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि आज उसे अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ी है, जिसके वीडियोस आप चाहे तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आप प्लीज़ उस इंसिडेंट को बताइए। कोरोना वॉरियर्स लोग कह रहे हैं, इतनी जानलेवा बीमारी है, उससे इतनी मॉर्टेलिटीज़ हो रही है। अब अगर उसके लिए अगर हम लोग कुछ खबर देते तो क्या ये तरीका है किसी डॉक्टर से बर्ताव करने का? अस्पताल आने का मतलब है कि मरीज़ एकदम अच्छा हो जाएगा? क्या आपने इतना वेट क्यों किया कि आपके मरीज़ की हालत इतनी ख़राब हो गई? और इसके लिए उस डॉक्टर की क्या गलती? क्या वो ड्यूटी पे था, ये उसकी गलती थी? इससे अच्छा तो वो ड्यूटी पर ही ना होता, वो अस्पताल में ही ना होता। क्या माना जाए, अब लगातार आश्वासन ही मिल रहा है और इसी का कारण है कि आप जब भी आश्वासन मिलता है जूनियर डॉक्टर्स काम पे चले जाते हैं, अपनी ड्यूटी पे लौट जाते हैं, लेकिन फिर वो आश्वासन की जो सीमा टूटती है तो फिर से उन्हें स्ट्राइक करना पड़ती है। हाँ, अभी तक यही हो रहा था। हम लोगों ने उनकी बातों पे विश्वास किया, उनके सारे मौखिक आश्वासनों के ऊपर विश्वास किया कि हाँ मंत्री ने हमारी बातें सुन ली है, अब हमारी बातों का कुछ निकाला जाएगा, रिटर्न ऑर्डर आएगा। लेकिन 6 महीने से जो बातचीत का दौर चल रहा था, 6 मई को जो आखिरी समझौता हुआ था, उससे भी अब 1 महीना हो गया, अभी तक कोई लिखित ऑर्डर नहीं आया है। कल भी सारंग जी ने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने 4 मांगें मान ली है। हम खुश हैं, आपने 4 मांगें मान ली, बहुत बढ़िया, आप उसका रिटर्न ऑर्डर दे दीजिए, हम तुरंत काम पे लौट जाएंगे। हमारी बस यही दरखास्त है कि आपने जो मांगे मानी है आप उनका रिटर्न ऑर्डर दे दीजिए, हम वापस आ जाएंगे। सरकार कह रही है कि आप लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है आने वाले समय में, क्या उसके लिए आप लोग तैयार हैं? पर ये कार्रवाई करना कहाँ तक उचित है? हमने कोई नाजायज मांग नहीं मानी है, हमने अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर के कुछ मांगे रखी हैं क्योंकि कोरोना काल अभी और भी बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अस्पताल में मरीज और मरीज के परिजन इतने ज़्यादा रहते हैं कि हम डेफिनेटली कम हैं। इतनी जानलेवा बीमारी है, परिवार आक्रोशित रहता है, हमारे ऊपर हमले होते हैं, इसको लेकर के हमने सुरक्षा की भी मांग करी थी, जिसको लेकर के अभी तक कुछ भी कदम नहीं उठाया जाता है। आगे क्या? अगर ऐसे परिस्थिति में भी सरकार को दमन करना ज़्यादा उचित लगता है तो हम तैयार।
जाओ वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।